गन्ने के दाम को लेकर किसानों ने विधायक के निवास के बाहर किया प्रदर्शन। यमुनानगर में आज भारतीय किसान संघ ने यमुनानगर के विधायक के कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। किसानों ने यमुनानगर के विधायक से आज गन्ने के दाम को लेकर मिलने का समय रखा था, लेकिन आज मिलने से पहले ही विधायक कार्यालय से बाहर चले गए। वहीं किसानों का कहना है कि 20 दिसंबर को किसान करनाल में मुख्यमंत्री के निवास स्थान के बाहर गन्ने की होली जलाएंगे। आज भारतीय किसान संघ की एक योजना थी, जितने भी विधायक हैं हरियाणा के, सबको ज्ञापन दिया जाए गन्ने का रेट बढ़ाने के लिए, और इसमें बकायदा सभी एमएलएओं से हमने टाइम लिया हुआ था। आज हमने दो विधायकों को यहाँ पे ज्ञापन देने थे, डॉक्टर बीएल सैनी जो हल्का रादौर से विधायक हैं और श्री घनश्याम दास जी अरोड़ा जो यमुनानगर से विधायक हैं, और हमने बकायदा इनसे पहले टाइम लिया था। माननीय अपना जो बीएल सैनी है उन्होंने हमने 10 बजे का टाइम दिया था, वो हमें वहाँ पर उपलब्ध हो गया और हमारा ज्ञापन भी उन्होंने लिया, लेकिन घनश्याम दास जी हमें यहाँ पर नहीं मिले और ना ही भारतीय किसान संघ को कोई ऐसी पहले सूचना दी भाई मेरे को कहीं जाना है, और ये इतने लोग यहाँ पर किसान आए और अब खाली हाथ यहाँ से जा रहे। शायद सरकार के जो विधायक हैं वो अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे, और ऐसे भागने से काम नहीं चल रहा। भारतीय किसान संघ ने पूरी अपनी कमर कस ली है और हम 20 तारीख को करनाल के अंदर पूरे हरियाणा के जो किसान है गन्ना क्षेत्र के, सीएम हाउस के सामने गन्ने की होली जलाएंगे और सीएम सिटी में मार्च निकालेंगे। तो पहले बात नहीं हुई थी विधायक से? पहले विधायक जी से बात हुई थी, उन्होंने टाइम दिया था 11 बजे का, और हम यहाँ 11:05 थे, उससे पहले हम यहाँ पहुँच चुके और हमें यहाँ बताया गया कि विधायक जी चंडीगढ़ में हैं। तो किसानों में निराशा? किसानों में इस बात को लेकर बड़ी नाराशा है, और ये जो निराशा है वो बढ़ती जाएगी और किसानों का गुस्सा भी इसमें बढ़ेगा, और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा।